नमस्कार, केवल रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चाउमीन। इसके लिए मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब ये नूडल्स डालती हूँ इसमें। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब ये गल चुके हैं, अब इसका हम पानी निकालते हैं। चाउमीन हम चाउमीन वाले भैया से ही पूछ के बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा बनाते हैं। ये हम इसमें रिफाइंड लगा रहे हैं, आप कोई भी चिकनाई लगा सकते हैं। जिससे ये खिला खिला रहे है। ऑयल डाल रहे हैं 100 ग्राम करीब। एक पैकेट में हमें 100 ग्राम रिफाइंड चाहिए। तेल में धुआं आने लगा है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये हमें तेज गर्मी चाहिए। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। प्याज हमारी भुन गई है। अब ये इसमें हम सब्जी डालेंगे, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। हम भूनेंगे। चलाते हुए हमने सब्जी भून ली है। हमें इसी तरह से चाहिए, आधी कच्ची आधी पक्की, पूरी नहीं गलानी है हमें। अब इसमें हम ये नूडल्स डालते हैं। इसको हमें पानी से नहीं धोना है, नहीं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हमें ऐसे ही धोने हैं, सुखाने हैं, मतलब पंखे में। अब इसमें चाउमीन मसाला डाल रहे हैं ये हम। चम्मच नमक है छोटी वाली से, जो हम खाना खाते हैं उससे। 2 चम्मच करीब इसमें सोया सॉस, विनेगर, वाइट सिरका, 250 ग्राम पनीर, नमक मसाले आप स्वाद अनुसार अपने कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये इसमें अजीनोमोटो डाल रहे हैं हम। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं।
देखिए कितना खिला खिला अच्छा बना है। आप इस तरह से बनाइए जरूर, आपका भी अच्छा बनेगा।